एक बच्चे का क्वेश्चन था कि कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व किया है, अभी देखिए कैसे किया है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पहले बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट इन दिस क्वेश्चन देर इज नो टोटल डिस्टेंस एंड नो टोटल टाइम, इवन डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉट गिवन। सो हाउ कैन यू सॉल्व? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस, आप मान लीजिए कि भाई ए से ए पॉइंट था और ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो ए से बी का डिस्टेंस जो है वो तुम मान लो एक्स है, भाई डिस्टेंस जो एक्स है तो वो एक्स ही रहेगा ना, चाहे कार ए से बी में जा रही है, बी से ए में जा रही। तो हमने क्या किया, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। फिर क्या कर रहा है, व्हेन मूव्स ए टू बी, जब कार ए से बी में जा रही है तो उस समय पे डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ठीक, और उस समय पे स्पीड क्या है, स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आपका स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें टाइम फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें डिस्टेंस तो पता चल गया एक्स है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, एक्स है, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर जब वो ए से बी में जा रहा है। तो ये आपका दो चीज़ें आपको मिल गई। ठीक है, फिर जब वो बी से ए में आ रही है, व्हेन मूव्स बी टू ए, देन डिस्टेंस अगेन एक्स और टाइम अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो एक्स ही रहेगा, स्पीड क्या है इस टाइम, दिस टाइम द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, भाई आपको तो बोला है फाइंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहली बार का डिस्टेंस एक्स, दूसरी बार का भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स हो गया। और दूसरा वाले में क्या बोला है, टोटल टाइम, तो टाइम पहले वाले का क्या है एक्स अपॉन 20 प्लस दूसरे वाले का क्या है एक्स अपॉन 30। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो एक्स प्लस एक्स 2x, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसे पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम देखो, ये निकाला है एलसीएम, कुछ बच्चों को नहीं निकालना आता हो तो प्रैक्टिस कर लेना बेटा, यहाँ भी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम निकाला हमने तो हमारा क्या आया, 60। ठीक है, अब ये 60 हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का x में मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 30 का 60 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का x मल्टीप्लाइड 2x। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 3 प्लस 2 5x, 5x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x ही आएगा और 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ। ठीक है, और फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। x से x कैंसिल हो गया, 5 को आपने 60 से डिवाइड किया तो 12, 12 टू जा 24 किलोमीटर पर आवर। क्या आया है ये, एवरेज स्पीड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर इस तरीके से न्यूमेरिकल में भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना न्यूमेरिकल लिख कर भेज दीजिएगा, मैं इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।